अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रिहान, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूवर्स, ये है नोकिया C1, एक नोकिया की जानिब से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जाने वाला है सन 2017 में। उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि वो कैसा होगा। व्यूवर्स, इसकी बैटरी जो है वो 3200 mAh की बैटरी है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 7.0 इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा मेमोरी जो है वो 32 GB से लेकर 128 GB तक बिल्ट इन हो सकती है, और 4 GB की रैम और मैक्रो SD कार्ड का कुछ खास कंफर्म नहीं है। और इसके साथ ही प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो 1.8 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ दीगर जो फीचर्स हैं उनमें ब्लूटूथ 4.0, USB अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं वाईफाई और हॉटस्पॉट की, तो वो दोनों इसमें अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ GPRS और दीगर जो 3G के और 4G के जो ऑप्शन हैं वो भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा डिस्प्ले में आता है 5.0 इंचेस का इसका डिस्प्ले होगा। और इसके साथ जो आपको ब्राउज़र मिलेगा वो होगा HTML5। इसके जो इंटरटेनमेंट के जो ऑप्शन हैं उसमें FM रेडियो भी अवेलेबल होगा। और कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो कैमरा इसका 16 से 12 मेगापिक्सल जो है वो इसका बैक कैमरा होगा, और इसके साथ ही 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद होगा। और इसके अलावा जो दीगर फीचर्स हैं उनके बारे में कुछ खास बात करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैसेजिंग, रिंगटोन्स और दीगर जो छोटे ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो तो अवेलेबल लाजमी तौर पर स्मार्टफोन में होने ही चाहिए, और इसमें भी अवेलेबल हैं। तो ये है नोकिया C1। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये तो जब ये रिलीज़ होगा या उससे चंद दिन पहले ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। इस वक्त तक के लिए नोकिया C1 के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन दी जो मैंने आपको पहुंचाई। तो व्यूवर्स, यकीन है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर या लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।